Hello everyone, so this side Devanshi and I am back with another video that is meaning of the word consumer. What is mean by consumer? What is the meaning of this word consumer? A consumer is an individual or group of individuals who purchase goods and services for their own personal use and not for the purpose of manufacturing or resale. बेसिकली वो कौन कंज्यूमर कौन होते हैं. कंज्यूमर एक इंडिविजुअल होते हैं, एक इंडिविजुअल होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि गुड्स खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं अपने खुद के यानी पर्सनल यूज़ के लिए और ना किसी पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और मतलब किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए या उसको आगे रीसेल करने के लिए कोई सामान नहीं या कोई सर्विसेज नहीं लेते हैं, बल्कि वो खुद के एक पर्सनल यूज़ के लिए जो सामान लेते हैं, खरीदते हैं, उस इंसान को, उस इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर. अब बात करते हैं सेक्शन की, किस सेक्शन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के किस सेक्शन में कंज्यूमर के बारे में बताया गया है. तो इट हैज़ डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. Defines a consumer as any person who buys goods or services in exchange for consideration and utilizes such goods and services for personal use and for the purpose of resale for or commercial use. See, Section 2, Subsection 7 of Consumer Protection Act 2019 defines about the definition of the word consumer. So, consumer basically उस definition के according क्या है? कंज्यूमर बेसिकली कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि गुड्स खरीदता है, सर्विसेज खरीदता है कंसिडरेशन के एक्सचेंज में. किसके एक्सचेंज में? कंसिडरेशन. याद रखना यहाँ पे कंसिडरेशन सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि कंसिडरेशन होगी तभी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी जाएंगी. तो कंसिडरेशन के एक्सचेंज में जब कोई पर्सन सामान खरीदता है, सर्विसेज लेता है और उसको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करता है और समटाइम्स कमर्शियल यूज या रीसेल के लिए यूज़ करता है, तो उसको, उस पर्सन को हम कॉल क्या बोलते हैं? कंज्यूमर. क्या बोलते हैं? कंज्यूमर. कंज्यूमर. इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इट हैज़ बीन डिस्टिंक्टली स्टेटेड दैट द टर्म buys any good and hires or avails any services also includes all online transactions. देखिए मैंने आपको कंज्यूमर के बारे में बताया, मैंने डेफिनेशन बताई, मैंने सब कुछ करा. अब मैं बताती हूँ कि it has been distinctly stated. इसे distinctly अलग से ये बताया गया कि जो term buys any goods है या hires or avails any services है वो include करता है सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू कंडक्ट की जाती हैं या फिर डायरेक्ट सेल की जाती हैं टेली शॉपिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू. तो इसमें मतलब एक तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी आती हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस मीनिंग ऑफ कंज्यूमर. वी विल डिस्कस अबाउट द नीड फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. व्हाई इट इज नीडेड टू अमेंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट of 1986. This will discuss in my next video. Till then, wait, watch, give me reviews, and if you have something more points regarding this meaning of consumer, tell me in comment box. Till then, good luck, goodbye.